चिता पर जिंदा हुई महिला मुक्ति धाम पर दिया गया CPR। मेडिकल कॉलेज लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। शिवपुरी की मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार के लिए महिला के शव को चिता पर रखते ही वह जिंदा हो गई। परिजनों ने हाथ पैर में मूवमेंट देखा तो CPR देना शुरू कर दिया। इसके बाद तत्काल एम्बुलेंस लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना शुक्रवार सुबह की है। महिला की मौत 29 अगस्त शाम 10:30 बजे हुई थी। परिजनों ने महिला के शव का आज अंतिम संस्कार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला शिक्षा विभाग की DO ऑफिस में लिपिक के पद पर पदस्थ रविंद्र श्रीवास्तव की पत्नी अनिता श्रीवास्तव उम्र 56 साल को पिछले कुछ दिनों से टाइफाइड हो गया था। बताया गया है कि गुरुवार की शाम महिला की तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन महिला को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, फिर बाद में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। परिजन महिला को लेकर कल 29 अगस्त की शाम 10:30 बजे के करीब मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। सर, एक ये महिला आई थी और बताया गया है कि रात को इसको डेथ घोषित कर दिया था, वहाँ पर कुछ मूवमेंट हुई है मुक्ति धाम पर, बाद में यहाँ लाया गया है, यहाँ पर भी फिर से उसे मृत घोषित कर दिया। क्या मामला है पूरा? कुछ नहीं है, ये अनीता श्रीवास्तव करके 56 ईयर फीमेल थी, ये वाइफ ऑफ रविंद्र श्रीवास्तव थी। ये परिजनों को ऐसा लगा होगा, जो कि मृत्यु के बाद में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिस समय हल्का बहुत ट्राइगर मोटिस होता है, उसकी वजह से बॉडी का मूवमेंट परिजनों को फील हो सकता है और उसकी वजह से शायद लगा होगा, लेकिन मृत जो महिला थी वो मृत ही थी। और कल रात में भी 10:41 पर उसको मृत ही घोषित किया गया था, मृत अवस्था में ही आई थी वो और अभी भी वो मृत ही थी, उसके सारे वाइटल्स। अच्छा सर, परिजनों को क्या कहना था, किस प्रकार की मूवमेंट देखी थी उन्होंने वहाँ? उनका कहना था कि पसीना आया है या हाथ पैर हिले थे, ऐसा उनका कहना था। ठीक।